अब जब लॉकडाउन के तीसरे चरण के खत्म होने का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, तब भी सड़कों पर मजदूरों का घर वापसी का लॉन्ग मार्च जारी है। लॉन्ग मार्च शब्द उसी चीन से जुड़ा हुआ है जहां से भारत में होने वाले मजदूरों के लॉन्ग मार्च की जड़ें कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। चीन में 1934 से 1935 में माओ त्से तुंग के बदलाव के लॉन्ग मार्च में 1,00,000 सैनिक निकले थे, लेकिन अंत में मंजिल तक पहुँचते पहुँचते 20,000 ही बचे थे। चीन में सैनिकों का लॉन्ग मार्च विरोधी सेना से बचने का था, लेकिन भारत में जो लॉन्ग मार्च सड़कों पर मजदूरों का दिखाई दे रहा है वह मजबूरी का मार्च है। चीन से आयातित महामारी कोरोना और उसके बाद हुई तालाबंदी में मजदूरों के पलायन की जो तस्वीरें आ रही है वह कलेजे को कपा देने वाली है। सड़कों पर जो मार्च दिखाई दे रहा है वह बेबस मजदूरों का अपने गांव पहुंचने का मार्च है। पलायन करते मजदूर अच्छी तरह जानते हैं कि हो सकता है कि वे गांव पहुंचने पर भी ना बचे, पर अपनी मिट्टी से मिलने की चाहत उनको खींच लिए जा रही है। घर वापसी की इसी चाहत में अब तक सैकड़ों मजदूर रास्ते में दम तोड़ चुके हैं या हादसों का शिकार बन चुके हैं। तपती धूप में टूटी चप्पल पहने भूखे पेट वह बस चले ही जा रहे हैं। लंबे हाईवे पर अगर खाना पानी कहीं मिलता है तो कहीं नहीं भी मिलता। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपने घर पहुंचने के लिए मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 95 पर इंदौर के आसपास इस समय हजारों की तादाद में मजदूर दिखाई दे रहे हैं। यह सभी अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं। मजदूरों का पैदल लॉन्ग मार्च 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हो रहा है। अगर इतिहास में झांके तो कई तरह का पलायन को इस देश ने देखा है। देश में आजादी के बाद 1947 के बंटवारे के समय से लेकर झारखंड के कालाहांडी से लेकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तक रोजगार की तलाश में पलायन की खबरें और तस्वीरें आती रही है, लेकिन इस बार मजदूरों का जो पलायन हो रहा है वह भूखे प्यासे जान बचाने का पलायन है। बेबस लोग चलते चलते पस्त हो जा रहे हैं, फिर भी ये चलते ही जा रहे हैं। मुंबई से मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपने गांव पहुंचने वाले प्रवासी मजदूर ददूपाल जब अपने सफर को बताते हैं तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुंबई से छतरपुर तक सफर पैदल और ट्रक चालकों के रहमो करम पर पूरा करने वाले ददूपाल ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वह सुरक्षित घर पहुंच गए। ददूपाल बताते हैं कि वह मुंबई से छतरपुर तक का सफर उन्होंने 7 दिन में पूरा किया। इस दौरान वह सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चले जिससे उनके पैरों में घाव भी हो गए हैं। दिक्कत यह है कि इन मजदूरों की बेबसी को ना समाज समझ रहा है और ना ही सरकार। कहने को तो हर राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए बड़े दावे कर रही है। मजदूरों की वापसी के लिए नोडल अफसर तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक की 3 पात है।